आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस और एकदम ढाबा स्टाइल रेसिपी, पनीर मसाला। पनीर मसाला बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और एकदम आसानी से, सिंपल तरीके से आप घर पे ही ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बना सकते हैं। आज हम जो पनीर मसाला बनाने वाले हैं उसकी जो ग्रेवी है वो हल्की सी हम थिक रखेंगे, क्योंकि जो ढाबे में हमें पनीर मसाला मिलता है उसकी ग्रेवी हल्की सी थिक और हल्की सी दानेदार होती है। उसका एक सीक्रेट है, उसी सीक्रेट को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और आप भी बिल्कुल आसानी से ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम हम पनीर लेंगे, उसको टुकड़ों में काट लेंगे और 1/4 छोटी चम्मच हम नमक डाल लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अच्छे से हम पनीर के टुकड़ों पर मसालों को लपेट लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम इनको फ्राई करेंगे जिससे सारे मसालों का टेस्ट पनीर में अच्छे से आ जाएगा। तो 5 मिनट हम अच्छे से इसको मिला के रेस्ट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे, घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं। और अब पनीर के टुकड़े हम रख लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर को हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये हल्के से कड़क हो जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और आप चाहें तो इसमें ऐसे ही डाल सकते हैं या आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ जिससे जो हम पनीर मसाला बनाने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर भी आएगा। तो मैं 2 मिनट के लिए इसे भून लेती हूँ। देखिए 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं और 1 चम्मच मैंने घी डाल लिया है। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं या घी में बना सकते हैं। अब 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे और कुछ मैंने यहाँ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसालों में यहाँ तेज़पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच मैंने धनिया के बीज लिए जिसको क्रश कर लिया है, 2 लौंग, 3 इलायची ली हैं, 4 मैंने यहाँ सूखी लाल मिर्च ली हैं और 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो मसालों को हम तेल में डाल लेंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे। इस ग्रेवी में हम जो भी मसाले यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से पकाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने यहाँ 2 प्याज लिए हैं जिसको बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन मैंने बारीक कट किए हैं, क्योंकि जो ढाबे में जो ग्रेवी बनती है उसमें हल्का सा दरदरापन होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं। अब प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। करीब करीब 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को भूनना है। देखिए प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, डाल लेते हैं। आप अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से भून लिए हैं मैंने। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, मसाले अच्छे से भून लेंगे हम। अब यहाँ हम 2 चम्मच बेसन यूज़ करेंगे। ढाबे में जो ग्रेवी का जो सीक्रेट है वो बेसन ही है, तो डाल लेते हैं। देखिए बेसन को भी मैंने अच्छे से पका लिया है। ढाबे में जो ग्रेवी मिलती है उसका सीक्रेट है बेसन, जिससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है, टेस्टी भी और हल्की सी थिक भी।
अब मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने कद्दूकस किया है इनको, क्योंकि जो ढाबे में हमें ग्रेवी मिलती है वो हल्की सी दानेदार होती हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर को यहाँ कद्दूकस किया है। अब टमाटर को 2 से 3 मिनट चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। दो से तीन मिनट मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली है जिसको लंबा लंबा कट कर लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। देखिए 1 मिनट और चला लेंगे हम इसे अच्छे से। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे और इसे ढक कर हम 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे हल्का सा ये तेल छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। एकदम ये थिक बेसन डालने से जो इसमें टेस्ट आया है और थिकनेस आई है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, वो डाल लेते हैं। मैंने इसको तवे पे भून के लिया है। अब हाथों से क्रश करके हम डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मिला देंगे अच्छे से इसे। अब आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, डाल लेते हैं। गरम मसाला हम कम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि खड़े मसाले हमने डाल लिए थे। अच्छे से मिला देंगे। अब पनीर डाल देंगे हम। देखिए आप पनीर का कलर देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा हो गया है। हमने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा बनेगा ये। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम पका लेंगे, जिससे पनीर में सभी मसालों का टेस्ट अच्छे से चला जाए। अब मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, अच्छे से मिला लेते हैं। और धनिया मिलाने के बाद हम इसे ढक कर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। पनीर मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। पनीर मसाला बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। आप चाहें तो ग्रेवी को अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा पतला इसको नहीं किया है। आप चाहें तो, अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है, तो आप पतला थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी ग्रेवी, पनीर मसाले की जो ग्रेवी होती है, हल्की सी थिक होती है और दानेदार होती है, तो वही मैंने बनाई है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पर आप शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी है रेसिपी, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। बेसिक मसालों का हमने यूज़ किया है, जो हर किसी के घर में यूज़ होते हैं, बस उन्हीं से ये मैंने बनाई है। जो सीक्रेट है, इसमें बेसन यूज़ किया है, जिससे बहुत ही अच्छी इसमें थिकनेस और टेस्ट आया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।